श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति वाणी पाठ। नम्यता में विपर्जय। स्त्री चरित्र सहज नम्य होता है, इसीलिए बिना सोचे समझे पुरुष चर्या में सहज में ही आनत और रंजित हो जाती है। यह स्त्री जाति का एक लक्षणीय लक्षण है। इसलिए यदि उपयुक्त वर ही पाना चाहती हो, पुरुष से इतना दूर रहो जिससे नजर में रहे पर मिश्रण ना हो, तुम बोध कर सकोगी और उपयुक्त मनोनयन होगा और उसे बिना सोचे समझे परिचर्या के फलस्वरूप अधपतन का बहुधा गुप्त आक्रमण तुम्हें विध्वस्त और विपन्न करके पातित्य के तमसाच्छन्न गह्वर में पहुंचा दे सकता है। सजग रहो, सावधान हो। वाणी संख्या 64। नम्यता में उत्कर्ष। नारी प्रकृति होती है नम्य, इसीलिए वो अच्छाई को भी अटूट भाव से लिपट कर पकड़ सकती है और यह पकड़ प्रकृत होने पर अव्यर्थ होती है। दुनिया की उपेक्षा करके भी जिसे लिपट कर पकड़ी है उसे लेकर अटल भाव से खड़ी रह सकती है। जिनके द्वारा तुम्हारे जीवन यश और वृद्धि क्रमोन्नति में परिचालित होता है, ह्रास या सम की अवज्ञा करके भी उन्हें भी अटूट भाव से तुम लिपट कर पकड़े रहो। उन्नयन तुम्हारा किसी प्रकार भी त्याग नहीं कर सकेगा, यह अति निश्चय है। वाणी संख्या 65। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु।